हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। यार अभी बजे सुबह के 7 और आप लोग सोच रहे हो कि ये धोके अभी जा कर रहा है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लेने के लिए, जो कि हमारा स्कूल में दिया जा रहा है वैक्सीन, और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। और मेरा एज अभी 17 साल है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी जाना पड़ रहा है। गाइस ये वैक्सीन का फर्स्ट डोज है जिसे मैं अभी लेने के लिए जा रहा हूँ। और गाइस आप हमारे चारों तरफ देख सकते हो कितना कोहरा कोहरा है, एकदम बहुत ही कोहरा है चारों तरफ, बिल्कुल एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। वो नदी भी ठीक से दिख नहीं रहा, ज़रा देखिए पूरी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। गाइस इस बीच मुझे जाना पड़ रहा है अभी वैक्सीन लेने के लिए। तो चलिए, अगर वैक्सीन देने के टाइम पे वीडियो कर सकते हैं तो आपको दिखाएंगे कि गाइस सबसे बड़ी बात है कि मैं जो है वो इंजेक्शन से मुझे डर लगता है यार, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है मुझे, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा गाइस यार समझ ही तो सकते हो, घबराहट हो रहा है यार, इंजेक्शन से डर लगता है तो घबराहट हो रहा है थोड़ा सा। तो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी एक दोस्त है, एक से दो, उन लोगों को भी देना पड़ेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट स्कूल में और आपको दिखाते हैं लोकेशन। गाइस यार आज चारों तरफ देख सकते हो मतलब कितना कोहरा है आज एकदम से, मतलब इस साल का सबसे ज़्यादा कोहरा आया है आज। और ऊपर से रास्ता भी ठीक नहीं है तो कैमरा भी कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। तो अभी रास्ते को छोड़िए, सीधा स्कूल में वीडियो बनाते हैं, अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गाइस यार शायद आप लोग देख सकते हो कोहरे के बीच में वो दूर हमारा स्कूल का जो बिल्डिंग है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब कैमरे में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आँख से तो हम दिख रहे हैं, देख सकते हैं। लेकिन वो देखिए मतलब स्कूल ग्राउंड है और ये स्कूल का पिछला हिस्सा है, मतलब पीछे की तरफ है, जो कोहरे से पूरा पूरा ढक चुका है, मतलब ज़रा सा भी नहीं। तो थोड़ी देर बाद कोहरा हटने के बाद आपको हमारा स्कूल का बैक साइड को दिखाते हैं हम लोग। 20 minutes later. Hour later. गाइज अभी एक घंटे बाद थोड़ा सा तो कोहरा हटा है और आप देख सकते हो वो है हमारा स्कूल, ये स्कूल का बैक साइड है, मतलब कि पीछे की तरफ है। तो अभी सामने की तरफ भी दिखाएंगे बाद में। ये है हमारे हाई स्कूल का सामने का गेट, मोयना उच्च विद्यालय लिखा हुआ है, ये बंगाली में लिखा है, इसका मतलब मोयना हाई स्कूल है। और ये अंदर का है जिसमें अभी नया नया बिल्डिंग्स बन रहा है, और ये अंदर का जो नज़ारा है यही है हमारा अंदर का नज़ारा स्कूल का। भाई यार देखो ये हमारा दोस्त अभी पबजी खेल रहा है, साला आया है वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन नहीं, इनको तो पबजी खेलना है, स्कूल में आया फिर भी पबजी खेल रहा है, देखो कैसे हंस रहा है। मतलब इन्हें पबजी खेलने का इतना एकदम पबजी का कीड़ा बोल सकते हो आप, गेम खेल रहा है वो भी स्कूल में वैक्सीन लेने के टाइम पे। गाइस यार अभी लगा दिया यार, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कितना यार ऐसा, मतलब कैसे हो गया, मतलब पूरा ही क्लीन अप किया, मतलब कुछ बोलने का नहीं, और शायद सब को लगना चाहिए। और अभी बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं, मतलब शायद आवाज़ मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसे बाहर से मैं एडिट कर देता हूँ। तो अभी सब नहीं, तो मैं अभी चलता हूँ और बाहर जाके आप सबको दिखाते हैं कि अंदर का जो नज़ारा है वो कैसा है। गाइज आप ये ज़रा बाहर का नज़ारा देखिए, मतलब कितने सारे लोग आए हैं वैक्सीन लेने के लिए, और ये सारे हमारे स्कूल के ही नहीं है, आसपास के और भी दो स्कूल के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सब लोग हैं यहाँ पे आया है वैक्सीन लेने के लिए, और मतलब बहुत लोग हैं। इनके बीच में हमारा जो वैक्सीन था वो होने के बाद अभी ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, और ये इसका जो वॉइस है इसे मैं बाद में एडिट करके लगा दिया है, इसको समझ ही सकते हो, मैं बाद में इसको एडिट करके वॉइस को लगा रहा हूँ, कुछ कुछ वॉइस को अभी एडिट करने के टाइम पे लगा रहा हूँ। गाइस यार मुझे आते आते शाम हो गया था, और अभी मतलब वैक्सीन देने के बाद अभी मैं आया, और मेरा हाथ अभी थोड़ा सा दर्द कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना दर्द सह ही सकते हैं। और गाइस अभी देख सकते हो मतलब शाम होने का टाइम है, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा और भी सुबह की तरह कोहरा गिर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, और
जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि गाइस आप वैक्सीन ले लो, क्योंकि वैक्सीन सुई से डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगा था, लेकिन मतलब वैक्सीन अभी तो आप लोग के स्कूल में ही दे रहा है वैक्सीन, तो हमारे भी स्कूल में वैक्सीन दे रहा है, इसलिए हम लोग गए और वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ 2 से 4 सेकंड में ही वैक्सीन लेना कंप्लीट हो गया। मतलब दर्द का कोई एहसास भी नहीं हुआ कि दर्द हो रहा है या सुई शरीर के अंदर गया है, ऐसा कोई भी कुछ भी चीज़ फील नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वैक्सीन लेना तो ज़रूरी है, लेना तो पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन लेने से आप अपने को और बाकी आपके आसपास जो, बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो नया वीडियो है वो भी जल्दी आने वाला है। तो तब तक के लिए चलते हैं। तो कैसे आप लोग लोग तब तो रोता 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 रो